खैर मकदम हमारी चैनल ऑनलाइन न्यूज़ हंट में नाज़रीन, जैसा कि आज आप सबको पता है कि आज हमारे कश्मीरी अवाम के लिए बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि आज 30 हफ्तों के बाद आज जामिया मस्जिद में फिर से नमाज अता करने की जो इजाज़त है वो मिल चुकी है, क्योंकि इससे पहले कोविड की वजह से जो नहीं हो पाती थी, लेकिन अब जो कोविड के बाद अब फिर से यहाँ पर जो नमाज है नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ के मार्केट की, क्योंकि जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा मार्केट देखने को भी मिलता है, जो इस कोविड की वजह से जिसका काफ़ी ज़्यादा उनका मैं भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान नज़र देखने को मिला, क्योंकि यहाँ ना ही सिर्फ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से लोग नमाज पढ़ने आते हैं, बल्कि बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी लोग जो है वो यहाँ पे नमाज अता करने आते हैं। तो इसी हवाले से अगर हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और देखते हैं कि वो इस चीज़ के बारे में हमें क्या महसूस हो रही है कि आज काफ़ी दिनों के बाद जो है नमाज पढ़ने की फिर से बहुत बहुत मतलब दिल काफ़ी खुश है। इतने वक्त के बाद जामे मस्जिद खुल गई। अल्लाह का घर बंद रहना ये तो एक मुसलमान के लिए बहुत अजाब की बात है, वाकई दिल बहुत खुश है। आप देख सकते हैं कितने लोग, हज़ारों में लोगों की तादाद यहाँ पे जो यहाँ पे आज नमाज अता करने आए हैं। इसी के साथ नाज़रीन दीजिए इजाज़त, मैं ज़रका शफी।